सारण को सुंदर, समृद्ध, आधुनिक और विकसित सारण बनाने के सपने को साकार करने, सारण की जनता जनार्दन के आदेश निर्देश और का सम्मान करते हुए अपने पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी की कर्म भूमि में सबका सुख दुख बांटने आप सभी के बीच आई हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपकी बहन आपकी बेटी हूँ। हमारा लक्ष्य किसी को हराना नहीं है, हमारा लक्ष्य आपको यानी जनता जनार्दन मालिकों को जिताना है। केंद्र और बिहार में 10 वर्षों से ऊपर से लेके नीचे तक डबल इंजन की सरकार रही है। यहाँ के आदरणीय सांसद महोदय भी उसी सरकार में हिस्सा है, केंद्र में मंत्री भी रहे थे। इसी संबंध में मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। 10 वर्षों के सांसद उनकी सरकार के कारण क्या आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आया है? 10 वर्षों में उन्होंने आपके गांव को क्या दिया है? 10 वर्षों में सांसद ने आपके जिले और क्षेत्र को क्या दिया है? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जगत जननी माता अंबिका भवानी, संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्मभूमि, कर्पूरी जी के संघर्षों और सपनों की धरती, मेरे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी की कर्म भूमि तथा भिखारी ठाकुर जी की पावन धरा सारण को मेरा प्रणाम और सलाम। मेरे अभिभावक सारण के तमाम बड़े बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों को सबको गोर लगतानी। मंच पे उपस्थित मेरी माता राबड़ी देवी जी, ठीक कर दीजिए ना इसको, इसको ठीक कीजिए ना, यहाँ पे रुको। मंच पर उपस्थित मेरी माता राबड़ी देवी जी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता के प्रति अटूट विश्वास और गरीबों के सम्मान और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहने वाले महान नेता और मेरे पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, देश के युवाओं के चहेते मेरे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, जिन्होंने 5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी दिया, मेरे दल के वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, जिला अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारीगण, महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, मुकेश सहनी जी, अखिलेश अंकल, अजीत शर्मा अंकल, अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी, और जो जो छूट गए हैं उनको प्लीज मेरे तरफ बोल दिए। तेज प्रताप यादव तुम पहले बोल दिए, और जो जो छूट गए हैं माफी मांग रहे हैं, लेकिन सब महागठबंधन सभी का, सभी नेतागण को मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है, आज हम सभी सारण संसदीय क्षेत्र में विकास के नए सूर्योदय के लिए यहाँ इकट्ठित हुए हैं। मैं कोई भाषण देने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हुई हूँ, मैं सिर्फ आपसे संवाद करने के लिए हूँ। इतने दिनों से घूम घूम कर मैंने क्षेत्रों की सभी समस्याओं को जाना, पहचाना और समझा है। मैं न किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने और न ही नकारात्मक राजनीति करने के लिए यहाँ आई हूँ। विदेश के तमाम मौजूद सुख सुविधाओं को छोड़कर सारण को सुंदर, समृद्ध, आधुनिक और विकसित सारण बनाने के सपने को साकार करने,
सारण की जनता जनार्दन के आदेश निर्देश और का सम्मान करते हुए अपने पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी की कर्म भूमि में सबका सुख दुख बांटने आप सभी के बीच आई हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपकी बहन आपकी बेटी हूँ। जैसे घर में मातृ शक्ति माँ बहन अपने परिवार जनों भाई जनों घर वालों का ख्याल रखती है, वैसे ही आपकी ये बहन बेटी आपके सुख दर्द में ख्याल रखेगी आपका। हमारा लक्ष्य किसी को हराना नहीं है, हमारा लक्ष्य आपको यानी जनता जनार्दन मालिकों को जिताना है। 15 अगस्त से नौजवानों को नौकरी देना है, गरीब को मुफ्त इलाज देना है, मजदूर को मेहताना दिल देना है। रक्षाबंधन में बहनों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया देना है, किसान को उसकी फसल का उचित दाम देना है, माताओं बहनों को सम्मान और सुरक्षा देना है। और इसके बदले मुझे बस 2 चीजें मैं आप सभी से मांगती हूँ, सिर्फ 2 चीजें मैं आप सभी से मांगती हूँ। मेरा आवाज कम क्यों? एक, आप सबका संपूर्ण साथ, और दूसरा आप सबका अटूट प्यार। बस यही 2 चीज कृपा आप अपनी बहन बेटी को दीजिए। मैं सौगंध खाती हूँ कि आपकी सारण की सेवा में अपनी जी जान लगा दूंगी, और ये सौगंध है वादे से मुकर जाए ऐसा ना हम लोग नहीं की। साथियों, केंद्र और बिहार में 10 वर्षों से ऊपर से लेके नीचे तक डबल इंजन की सरकार रही है। यहाँ के आदरणीय सांसद महोदय भी उसी सरकार में हिस्सा है, केंद्र में मंत्री भी रहे थे। इसी संबंध में मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। 10 वर्षों के सांसद उनकी सरकार के कारण क्या आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आया है? 10 वर्षों में उन्होंने आपके गांव को क्या दिया है? 10 वर्षों में सांसद ने आपके जिले और क्षेत्र को क्या दिया है? 10 वर्षों में सांसद ने आपके 10 वर्षों के सांसद ने आपके अपने अपने गांव के स्कूल को अपग्रेड किया है? 10 वर्षों में सांसद ने क्या आपके गांव में हॉस्पिटल अस्पताल बनाया है? 10 वर्षों में सांसद ने क्या जिला क्षेत्र में उद्योग लगाया है? 10 वर्षों में मौजूदा सांसद क्या कोई बड़ा निवेश सारण में लाए हैं? सांसद महोदय, कितनी बार आपके दुख दर में आपसे मिलने आए? 10 वर्षों में कितनी बार आए मिलने आप लोग से? शहर में नाली गली की हालत बेहद दयनीय है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? कोई ड्रेनेज सिस्टम लगाए हैं? नाला नाली में जो पानी भरा हुआ है। केंद्र में मंत्री रहते स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात कही थी, क्या हुआ उस वादे का? क्या हुआ? जब स्किल इंडिया में थे लगाई हुई यूनिवर्सिटी, सिताब दियारा को इन्होंने गोद लिया था, उस सिताब दियारा को भाई तेजस्वी ने अस्पताल बनाने का काम किया, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इनका जवाब आपको स्वयं से देना है, और इसकी तुलना आपको पूर्व के सांसद और मेरे पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में किया हुआ जो भी काम है, जिन्होंने छपरा में रेलवे में 2-2 बड़े बड़े कारखाने दिए, छपरा में यूनिवर्सिटी दिया, कॉलेज दिया, सड़क दिया, पुल पुलिया दिया, सहित हजारों करोड़ों के अनगिनत विकास कार्य किया, यहाँ के युवाओं को नौकरियाँ दी हैं,
परम आदरणीय लालू जी को आप लोगों का असीम स्नेह और समर्थन लगातार मिला है। मैं भी ठीक वैसा ही प्यार और आशीर्वाद पाने में विश्वास के साथ आपके बीच आपकी सेवा करने के उद्देश्य से आई हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी इस बेटी के ऊपर अपना पूरा प्यार आशीर्वाद उधेल देंगे। हाथ उठा कर बोलिए, आप अपने इस बेटी बहन को साथ देंगे ना? सब कोई हाथ उठा करके बोलिए, आप अपनी बेटी बहन को साथ देंगे? मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, अपनी इस रोहिणी पे गर्व होगा। आप लोग फख्र से कहेंगे कि बेटी रोहिणी के जैसी सांसद होनी चाहिए। हमारा सारण पूर्व की भांति देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक बार फिर अपना चमक बिखेरेगा। आपके प्रेम, समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद से सारण को विकास का उदाहरण बनाऊंगी। सारण बनेगा उदाहरण। मेरे साथ सभी कोई बोलिए, मेरे साथ आप सब बोलिए, सारण बनेगा उदाहरण, सारण बनेगा उदाहरण। आइए हम सब मिलकर कुछ नया बेहतर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रणाम सारण, धन्यवाद सारण, जय भीम, जय सारम, जय बिहार, जय इंडिया महागठबंधन। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।